आज हम लोग जो है करंट डेंसिटी पर बात करने वाले हैं, समझेंगे कि क्या होता है करंट डेंसिटी। इसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर होता है इसलिए इसके ऊपर ऐसे जे और क्या एरो दे दिए, तो मतलब समझ गए वो क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है इसको समझो पहले अच्छे तरीके से। जैसे मान लो क्या आते, ये एक वायर है, ठीक है, वायर में क्या है करंट चल रहा है, करंट चल रहा है। अच्छा, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ये वाला एरिया को ही, जिस एरिया से क्रॉस कर रहा है ये, उसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, अच्छा, जब एरिया हम लोग जानते हैं एरिया के बारे में कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ रहे थे तब हम लोग बात किए थे गॉस लॉ के टाइम में, तो एरिया वेक्टर मेरा क्या है। अच्छा ठीक है, चलो वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस पे एकदम सीधा परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, अब एक बात और, इसमें करंट इस तरीके से ऐसे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है करंट ना, क्या फ्लो हो रहा है, करंट जा रहा है, करंट इस तरीके से ऐसे करके जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो जैसे अगर मान लो करंट है टोटल कितना करंट है, मान लिया जाए 6 एम्पियर का करंट है, कितना 6 एम्पियर का करंट है, और इतना सा जो ये जो एरिया है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लिया जाए 2 मीटर स्क्वायर, कहते हैं ऐसे ही मानने के लिए, मान लीजिए उतना 2 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला, तो क्या कहते हैं मोटा वायर तो होता नहीं है, खैर ठीक है फिर भी प्रैक्टिकली, लेकिन ऐसे मान लीजिए कि ये क्या है 2 मीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये कितना है 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, और इसमें टोटल करंट कितना पास कर रहा है, 6 एम्पियर। तो बताओ तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास कर रहेगा, उसी को हम लोग कहेंगे करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट बाय क्या एरिया, तो हो गया क्या कहते हैं 6 / 2 यानी कि 3 एम्पियर/मीटर² 3 एम्पियर का करंट यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये इस तरीके से ऐसे करके पास कर रहा है, ये जो एरिया है क्या करना है, करंट डिवाइडेड बाय क्या एरिया, यही मेरा क्या कहलाता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना कैसे वेक्टर हो गया, ये एक स्केलर है और ये एरिया वेक्टर जो है मेरा, एरिया वेक्टर तो क्या है एक वेक्टर है कि नहीं, तो स्केलर डिवाइडेड बाय वेक्टर मेरा वेक्टर ही क्वांटिटी देता है ना। हाँ, ये सब क्लास 11th का चीज़ है यहाँ पे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर के आएंगे तो करंट डेंसिटी इनटू क्या एरिया वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको क्या देगा करंट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये दोनों क्या है वेक्टर, दोनों वेक्टर मिल करके गुना होकर के क्या हमको दिया करंट, ये दोनों का ये क्या किए हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉटे प्रोडक्ट का रिजल्ट ना एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो याद रखना करंट डेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर बराबर क्या होता है करंट हो जाता है। ठीक, अच्छा, करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या, हम सबको अच्छे तरीके से लिख देंगे, अभी पहले समझ लेते हैं करंट डेंसिटी क्या है। करंट डेंसिटी है करंट डिवाइडेड बाय क्या एरिया। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला आता है NeAVD, हम लोग पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, ई हो गया पर इलेक्ट्रॉन हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये कट जाएगा तो NeVD हम लोग क्या कर सकते हैं करंट डेंसिटी का मान लिख सकते हैं। अगर इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये भी इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में, या फिर क्या एरिया सॉरी ऐसे करके भी लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी का ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड मेरा आ गया, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसके लिए एम्पियर इसके लिए मीटर स्क्वायर, इसका हम लोग डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अब करंट डेंसिटी को अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं सारा चीज़, उसको लिखते हैं यहाँ पे करंट बराबर आई बराबर क्या कहते हैं जे डॉट ए है ना, इसी को चाहोगे डॉट प्रोडक्ट है तो ऐसे तोड़ सकते हैं जे ए कॉस थीटा या फिर ए जे कॉस थीटा कर सकते हैं, जहाँ पे थीटा क्या होगा करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का होता है, करंट इधर जा रहा है तो करंट डेंसिटी भी उधर ही हो गया, एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी के बीच का डायरेक्शन मेरा क्या हो गया एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री है। अगर वायर इस तरीके का होता तब, वायर इस तरीके का होता तब तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मेरा इधर हो जाता और करंट मेरा ऐसे करके फ्लो कर रहा होता तो करंट का डायरेक्शन क्या इधर हो जाता, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा हो जाता ना। खैर ठीक है, चलो हम लोग सब कुछ को डिफाइन कर लेते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो कोई बात नहीं। चलो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में लिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है उसको। अब हम लोग जो है लिख लिए हैं सारा चीज़ टोटल, इसको देख लेते हैं जरा सा एक बार बड़ी बड़ी से। सबसे पहले देखा जाए कि करंट डेंसिटी जो है उसको डिफाइन कर ली कि इट इज़ द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, क्या ठीक है, ये क्या है एक वैक्टर क्वान्टिटी है आई बाई
ए लिख करके क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इधर चला जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट हो गया इसका, आई बराबर ए जे कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग, ये जे कहते हैं बराबर एक और फार्मूला है ही आई बाई ए, स्केलर फॉर्म में है तो मैग्नीट्यूड खाली आई बराबर एन ई वी डी, ए कट गया एन ई वी डी, ये भी फार्मूला हो जाएगा। ऐसा यूनिट इसका क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें ए करंट के लिए ए हो गया और एल इनवर्स टू, डायरेक्शन इसका किधर होता है करंट डेंसिटी का, करंट की दिशा में ही डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। एक बात और छोटा सा चीज़ ऐसे देख लो कि क्या कहते हैं, अगर इस तरीके से क्या है वायर है अगर, या फिर इस तरीके से मान लो वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके का है, अगर इस तरीके का है और इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन और यही मेरा किसका डायरेक्शन, करंट डेंसिटी का भी। और एरिया वेक्टर की बात करो तो एरिया वेक्टर तो सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर होता है, अगर एरिया इसका इस तरीके से मुड़ा हुआ है तो क्या ऐसे करके वायर को ऐसे तिरछा काटे हुए है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यही दोनों के बीच का एंगल ये मेरा क्या है थीटा बताता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना ए जे, ये क्या कहते हैं आई बराबर ए जे कॉस थीटा, ये क्या होगा एंगल, ये एरिया वेक्टर, एरिया का मैग्नीट्यूड, क्रॉस सेक्शनल एरिया पैर स्क्वायर, और क्या कहते हैं जे मेरा क्या करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया। चलो ठीक है, बस इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए फटाफट से, लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं, आप क्या कहते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चंस वगैरह सब बनाओ, मेरा असाइनमेंट जो है उससे कुछ क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस कर लो आप।